चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रश्नावली 4.1, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है, जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए हुए मान दिए गए संगत समीकरणों के हल है या नहीं। तो पहले अपन प्रश्न की लैंग्वेज समझते हैं। हमें जाँच करनी है, और क्या जांच करनी है कि जो हमें कोष्टक में मान दे रखे हैं, यहाँ पर देखो इस प्रश्न के अंदर यहाँ कोष्टक बना हुआ है, ये मान, ठीक है, दिए गए संगत समीकरणों, संगत मतलब यहाँ जो कोष्टक में मान दिया हुआ है इसके संगत ये वाली समीकरण, तो इसके संगत ये समीकरण, इसके संगत ये समीकरण, इसके संगत ये समीकरण, ठीक है, इनमें इसके मान रखने हैं, और ये जो है हल है या नहीं, यानी अगर हम एन का मान एक रखेंगे तो ये सब जोड़ने पर 19 आएगा, तो हल है, और नहीं आता है तो हल नहीं है। समीकरण क्या होता है, मैंने ये पहले प्रश्न में अच्छे से समझाया है, अगर वो वीडियो आपको देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट कैसे मिलेगी, तो आप इस वीडियो के अंत में एक छोटी सी वीडियो है वो देखना, ठीक है। तो यहाँ पहला प्रश्न क्या है, एन प्लस 5 बराबर 19, और एन हमें यहाँ पर कितना रखना है, एक रखना है। अब इन प्रश्नों को करना कैसे, देखो n की जगह आपको क्या करना है, एक डब्बा बनाना है, कोष्टक बनाना है, फिर प्लस 5 बराबर 19, क्या किया, n की जगह डब्बा बनाया, बाकी प्लस का प्लस, 5 का 5, बराबर की जगह बराबर, और 19 का 19। अब इस डब्बे में हमको क्या रखना है, n की जगह एक रखना है, यानी यहाँ एक रखना है। अब क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर प्लस का 1, यहाँ पर प्लस का 5, तो हमें पता है कि जो भी दो संख्या प्लस की होती है तो वो जुड़ती है, और चिन्ह कैसा आता है, प्लस का आता है, तो हम इनको जोड़ेंगे, तो 5 और 1 6, प्लस का है ना, बराबर 19। क्या 6 और 19 कभी बराबर होता है, क्या नहीं होता, ये बड़ा है ये छोटा है, इसका मतलब अगर मैं इस समीकरण के अंदर n एक रखता हूँ तो मुझे कोई हल नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हल नहीं, हल नहीं है, यह हल नहीं है, चलो ठीक है। अब दूसरा वाला देखो, 7n प्लस 5 बराबर 19, तो मैंने कहा n की जगह आपको क्या बनाना है, डब्बा बनाना है, तो देखो यहाँ पर 7 आगे है, n पीछे है, तो n की जगह डब्बा, प्लस 5 बराबर 19। अब हमें इस खाली डब्बे में क्या रखना है, माइनस का 2 रखना है, क्योंकि ये डब्बा क्या है, n है, और n कितना रखना है, माइनस 2 रखना है। अब मैंने माइनस 2 रखा, अब जब भी कभी ऐसा लिखा आए 7, फिर कोष्टक, फिर माइनस 2, इसका मतलब है यहाँ पर क्या है, इनटू है, यानी ये ऐसे है 7 इनटू माइनस का 2। अब आपने दूसरा चैप्टर तो पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लो। इसमें क्या होगा कि जैसे ये 7 तो प्लस का है, फिर यहाँ इनटू है, और ये संख्या माइनस की है, तो प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो उत्तर माइनस में आता है, यानी इसका गुणा करेंगे वो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो गुणा करो, 7 दूनी 14, लेकिन 14 कैसा, माइनस का, फिर प्लस 5 बराबर 19। अब यहाँ पर एक संख्या तो प्लस की है और एक संख्या माइनस की है, जब एक प्लस की हो एक माइनस की हो तो वो घटती है, और निशान कौन सा आता है, जो संख्या बड़ी होती है वो निशान आता है, तो इसको घटाओ पहले, तो घटाने पर क्या आएगा, 9 आएगा। अच्छा, प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, बराबर 19। क्या माइनस 9 और 19 आपस में बराबर होता है, क्या नहीं होता है, इसलिए इसका भी हल नहीं है, इसका भी ये मान अगर इसमें रखता हूँ तो इसका कोई हल नहीं मिलेगा। चलो ये तीसरा देखो, क्या करना, n की जगह पहले डब्बा बनाना, प्लस 5 बराबर 19। अब की बार मुझे n की जगह कितना रखना है, प्लस का 2 रखना है, तो मैं यहाँ 2 रखूँगा, इसका मतलब क्या होता है, 7 कोष्टक 2 का, 7 कोष्टक 2 का मतलब होता है 7 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पर कोई निशान नहीं, मतलब इंटू है, तो 7 का पहाड़ा 2 बोलो, 7 दुनी 14, फिर प्लस 5 बराबर 19। अब की बार ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो जुड़ेगा और प्लस का निशान आएगा, तो 14 और 5 कितना होता है, 19, 19 बराबर 19। तो अब की बार ये दोनों, इधर भी 19 है और इधर भी 19, इसका मतलब दोनों बराबर है, और जब दोनों बराबर होते हैं इसका मतलब n बराबर, इसमें मैं अगर 2 रखता हूँ तो इसका हल होगा, ठीक है, तो यह हल है,
यह हल है। ठीक है, यह हल है का मतलब क्या है? अगर n बराबर में 2 रखता हूँ तो इस समीकरण का हल निकलता है। ठीक है, अच्छा अब ये वाला देखो, यहाँ पर क्या है, 4p माइनस 3 बराबर 13, तो p की जगह मुझे कोष्टक बनाना है, तो 4 कोष्टक माइनस 3 इक्वल टू 13। मैंने क्या किया, केवल इस p की जगह डब्बा बनाया, बाकी को ऐसे के ऐसे लिखा है ना। अब p मुझे कितना रखना है, 1, यानी इस डब्बे के अंदर मुझे 1 रखना है। अब ये क्या हुआ, 4 × 1, तो 4 का पहाड़ा एक बार बोलेंगे, 4 × 1 = 4, फिर माइनस 3 बराबर 13। अब ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, है ना, ये प्लस का ये माइनस का घटेगा, लेकिन प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, तो 4 में से 3 गया, प्लस का 1 = 3। क्या 1 और 13 बराबर होते हैं? क्या नहीं होते, इसका मतलब ये इसका हल नहीं है, यह इस समीकरण का हल नहीं है। आपको सब में यही लैंग्वेज लिखनी है, यह मतलब कौन, ये p बराबर 1 जो है इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, अब ये वाला करते हैं, e देखो, p की जगह डब्बा बनाना, तो p कोष्टक माइनस 3 बराबर 13, क्या किया, p की जगह केवल डब्बा बनाया। अब p कितना रखना है, माइनस के 4, तो यहाँ आप माइनस का 4 रखेंगे। अब ये 4 और फिर कोष्टक माइनस 4, इसका मतलब है 4 × -4, तो पहले ये देखो, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस होता है। अब 4 और 4 का गुणा कर दो, 4 × 16, तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 16, और ये कितना है, माइनस का 3। और अब देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 13। दो संख्या अगर माइनस की हो तो भी वो जुड़ती है, अगर समान चिन्ह होता है, यानी दोनों अगर प्लस के हो तो भी जुड़ता है, दोनों अगर माइनस के हो तो भी जुड़ता है, लेकिन प्लस के हो दोनों तो प्लस का निशान आता है, दोनों माइनस के हो तो जुड़ता है लेकिन माइनस का निशान आता है, तो 16 और 3 जुड़ जाएगा लेकिन माइनस का निशान आएगा, यानी माइनस का 19 बराबर 13। क्या माइनस 19 और 13 आपस में बराबर है, बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं। अब आपको लैंग्वेज ये लिखनी है, देखो पूरी, ये यहाँ पर इतना इतना नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है, p = -4 पर इस समीकरण का हल नहीं है। इस प्रकार से आपको लिखनी है लाइन पूरी। अब अंतिम प्रश्न क्या है, देखो चार, फिर p की जगह कोष्टक, फिर -3 = 13। अब p मुझे कितना रखना है, 0, तो यहाँ 0 रखेंगे। अब हम जानते हैं कि 4 का गुणा अगर हम 0 से कराएंगे तो 0 ही आएगा, किसी भी संख्या को, जैसे मान लो 100 है, उसका गुणा 0 से कराओगे तो उत्तर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो इसका गुणा इससे कराएंगे तो 0 आएगा, फिर ये -3 = 13। 0 में से 3 गया माइनस का, तो -3 ही आता है। अब क्या -3 और 13 बराबर है, क्या नहीं है, तो हम यहाँ लिखेंगे p = 0 पर इस समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, प्रयास और भूल विधि से निम्न समीकरणों को हल कीजिए। प्रयास का मतलब होता है आपको बार बार इसको प्रयास करते रहना है, भूल का मतलब होता है आप भूल कर सकते हो उसके अंदर, तो आपको प्रयास करते रहना है, भूल करते रहना है, और इस विधि के द्वारा समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 2 समीकरण दी हुई है, जब भी बराबर का निशान आता है तो हम उसे समीकरण बोलते हैं, तो एक समीकरण ये है और दूसरी समीकरण ये है। अब प्रयास और भूल विधि ये होती है कि आपको ये जो p है वो एक बार 1 रखना है इस समीकरण के अंदर, p जो है वो एक बार 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आपको मान रखते जाने इस समीकरण के अंदर, जब तक इसका उत्तर नहीं आता, उत्तर मतलब यहाँ भी 17 और यहाँ भी 17 नहीं आता है, तब तक आपको इस समीकरण को करते जाना होगा, है ना, इसको हल करते जाना होगा। तो अब जो है हम इसको हल करेंगे, तो हमारे पास ये एक समीकरण है, मुझे इस p का मान क्या क्या रखना होगा, तो सबसे पहले मैं 1 रख के देखता हूँ, p = 1 रखने पर,
इसके अंदर मैं पी एक रखूंगा, तो प्रश्न क्या है, पाँच फिर पी की जगह डब्बा बना दो प्लस दो बराबर सत्रह, पी पाँच पी पाँच पी प्लस प्लस दो दो बराबर बराबर सत्रह सत्रह, है ना। अब पी की जगह मुझे कितना रखना है, एक, ये आपको खुद को ध्यान रखना है, ठीक है। पहले एक रखेंगे, फिर दो रखेंगे, फिर तीन रखेंगे, जब तक उत्तर नहीं आएगा तब तक हम रखते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं रखूंगा एक। अब पांच कोष्टक एक का मतलब होता है यहाँ पर इंटू का निशान होता है ना। तो पाँच एकम पाँच, ये हो गया पाँच एकम पाँच, पाँच का गुणा एक से, फिर प्लस दो बराबर सत्रह। अब ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ेंगे, तो पाँच और दो कितना हो गया सात, तो सात बराबर सत्रह। क्या सात और सत्रह आपस में बराबर होते हैं क्या, नहीं। तो इसका मतलब पी बराबर एक रखने पर इसका उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। अब हम पी बराबर दो रखते हैं, पी बराबर दो रखने पर अब हम क्या करेंगे, पी बराबर दो रखेंगे किसके अंदर, इसी के अंदर। तो इसको वापस लिखो, क्या लिखेंगे, पाँच पी की जगह कोष्टक प्लस दो बराबर सत्रह। अच्छा, अब पी कितना रखना है, दो रखना है, चलो गुणा करो, पाँच दूनी दस प्लस दो बराबर सत्रह, दस और दो कितना होता है बारह बराबर सत्रह। क्या दोनों बराबर है क्या, अभी भी बराबर नहीं है, है ना। इसका मतलब ये जो दो है इसका उत्तर नहीं आएगा। फिर पी बराबर हम तीन रखेंगे, पी बराबर तीन रखने पर तो हमारे पास समीकरण क्या है, ये वाली है, यानी कि पाँच फिर पी की जगह कोष्टक फिर प्लस दो बराबर सत्रह। अच्छा, अब की बार पी कितना रखना है, तीन, तो इसका मतलब क्या है, पाँच का गुणा तीन से करो, तो पाँच त्रिया पंद्रह फिर प्लस फिर दो बराबर सत्रह। अब पंद्रह और दो कितने होते हैं, सत्रह बराबर सत्रह, यानी अब की बार अपना उत्तर आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि पी बराबर तीन रखने पर, पी बराबर तीन रखने पर इस समीकरण का हल निकलता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आपको ये नीचे लिखना पड़ेगा लाइन, पी बराबर तीन रखने पर समीकरण का हल होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, तीन एम माइनस चौदह बराबर चार, तो m हम एक रखेंगे फिर दो रखेंगे, जब तक हमारा उत्तर नहीं आएगा तब तक हम रखते जाएंगे। तो हम सबसे पहले m बराबर कितना रखेंगे, एक रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तीन m की जगह कोष्टक माइनस चौदह बराबर चार, m मुझे कितना रखना है, एक, तो यहाँ तीन कोष्टक एक का मतलब होता है तीन इंटू एक, यहाँ कोई निशान नहीं मतलब इंटू है, ठीक है। तो तीन इंटू एक, तीन एकम तीन, माइनस चौदह बराबर चार। अब की बार यहाँ देखो, दोनों प्लस के थे तो जुड़ रहे थे, जब एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो घटता है, तो हम यहाँ घटाएंगे इसको, है ना, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अब चौदह में से तीन गए, पीछे कितने बच जाएंगे, ग्यारह बच जाएंगे, लेकिन वो ग्यारह प्लस का होगा कि माइनस का होगा, वो माइनस का होगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ये पूर्णांक नियम आपको आने ही चाहिए। ये घटाया कैसे मैंने, ये आपको चैप्टर दो में सीखना है, सॉरी चैप्टर एक में सीखना है, और बड़े अच्छे ढंग से सीखना है, ठीक है। तो अब देखो, अब m पर तो ये उत्तर आया नहीं, तो m बराबर हम कितना रखेंगे, अब की बार दो रखेंगे, किस में रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे, क्या है, तीन फिर m की जगह कोष्टक माइनस चौदह बराबर चार, अब की बार कितना रखना, दो, गुणा कराओ, तीन दूनी छः माइनस चौदह बराबर चार, एक प्लस का है एक माइनस का है, घटेगा तो घटाओ, तो ये हो गया आपके पास आठ, घटाने पर कितना है आठ, लेकिन प्लस का या माइनस का, माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ा है ना, बराबर चार। क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो अब आगे करो इसको, अब के बार m कितना रखेंगे, हम तीन रखेंगे, किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो ये है तीन m की जगह कोष्टक माइनस चौदह बराबर चार, कितना रखना, तीन, तीन त्रिया नौ माइनस चौदह बराबर चार। तो यहाँ पर नौ में से चौदह गए, पीछे कितने बचे, पाँच बचे, तो पाँच फिर यहाँ पर कितना है चार, क्या दोनों बराबर है क्या, नहीं है, तो m बराबर तीन रखने पर भी दोनों बराबर नहीं आए,
तो अब m बराबर 4 रखते हैं, किस में रखते हैं, इसमें रखते हैं, तो ये हो गया 3, फिर कोष्टक माइनस 14 बराबर 4, कितना रखना, 4 रखना, गुणा करो 4 3 12 माइनस 14, अब की बार ये प्लस का और ये माइनस का, तो घटेगा है ना, घटाओ कितना बचेगा 2, लेकिन कैसा, माइनस का बराबर 4, तो अब भी ये आपस में बराबर नहीं है, है ना। ठीक है, अब हम 5 रखते हैं, यहाँ जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं, अब इसके अंदर 3m माइनस 14 बराबर 4 के अंदर हमें m कितना रखना है, 5 रखना है, 5 रख के देखते हैं उत्तर आता है या नहीं आता है। अच्छा, क्या लिखेंगे इसको, 3, फिर m क्या है, डब्बा, माइनस 14 बराबर 4, m कितना रखना, 5, या 5 गुणा करेंगे, 5 3 15 माइनस 14 बराबर 4, अब की बार भी ये घटेगा, कितना आएगा, 1, लेकिन वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, घटाया हमने 1 आया, प्लस का आएगा कि माइनस का, प्लस का आएगा, क्योंकि अब की बार प्लस बड़ा है ना, तो क्या दोनों बराबर है, बराबर नहीं है, तो अब क्या करें, अब m बराबर 6 रख के देखते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, इस समीकरण के अंदर क्या है, 3 कोष्टक माइनस 14 बराबर 4, अच्छा m मुझे कितना रखना है, 6, इन दोनों का क्या करना है, गुणा, क्योंकि यहाँ पर गुणे का निशान होता है, 6 3 18 माइनस 14 बराबर 4, 18 में से 14 गए, कितना बचा, 4 बराबर 4, अब की बार ये दोनों बराबर आ गए, ये घटाया प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है ना, तो 4 बराबर 4, अब की बार दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे m बराबर 6 समीकरण में रखने पर, यह समीकरण संतुष्ट होती है, यानी कि m बराबर 6 इसका एक हल है। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है, इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है, इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।